नेसियर जो हमारे पास आ रहा है वो है रेडियस रेशियो रूल या स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड। इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेज चल रही है और आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। मैं ये भूलने नहीं दूंगा कि आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है? आप भी अपने आप को नहीं भूलने दें कि हम भी बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको मेहनत कंटिन्यूस करनी है। पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सबसे पहले अपन रेडियस रेशियो रूल की बात करने वाले हैं। रेडियस रेशियो रूल बेसिकली है क्या? रेडियस रेशियो रूल मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, इनका एक रेशियो होता है भाई, ठीक है। अब ये रेशियो हमें बहुत सारी चीजें बताता है कि ये रेडियस रेशियो से अपन ये बता सकते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वहां पर कौन सा वॉइड फॉर्म होने वाला है, कि ट्राइगोनल वॉइड फॉर्म होने वाला है, ऑक्टाहेड्रल होने वाला है या टेट्राहेड्रल होने वाला है, वो इसकी मदद से अपन बता सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कहां पर हमारा कौन सा वॉइड फॉर्म होगा। रेडियस रेशियो वॉइड्स और एग्जांपल की अपन यहां पे बात कर रहे हैं। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 तक होता है तो यहां पर आपका ट्राइगोनल वॉइड बनता है। कौन सा वॉइड बनता है भाई? ट्राइगोनल वॉइड बनता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर जो बोरोन के ऑक्साइड्स होते हैं वहां पर यह देखा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक होता है तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। और इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं ZnS एंड कैल्शियम फ्लोराइड CF2, ठीक है। अब यहां पर कुछ महानुभावों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर सर रेडियस रेशियो 0.225 होता है तो ट्राइगोनल वॉइड आने वाला है या टेट्राहेड्रल वॉइड आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू तो यहां पर भी आ रही है और ये वैल्यू यहां पर भी आ रही है, ठीक है। अब तुम्हारी जो संतुष्टि है उसे मैं कर देता हूं भाई। तुम्हारा जो क्वेश्चन है याद रखना है कि अगर आपका रेडियस रेशियो यहां पर आता है, 0.225 आता है, तो उससे नेक्स्ट आपका वॉइड बनेगा। जैसे कि 0.225 है तो आप उसे नेक्स्ट में कंसीडर करोगे और आपका टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। जैसे कि अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 है तो आप उसे इस लाइन में कंसीडर करोगे, ठीक है। जो थर्ड हमारे पास आ रहा है कि अगर आपका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 तक होता है तो आपका यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है। क्या होता है भाई? ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा, ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका बहुत कॉमन है NaCl, जिसे आप रॉक सॉल्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? रॉक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 तक होता है तो यहां पर आपका क्यूबिक वॉइड फॉर्म होगा, क्यूबिक वॉइड। अब क्यूबिक वॉइड फॉर्म हो रहा है आपका, ठीक है, और यहां पर इसका एग्जांपल है CSCl। अब सर, अपन ने ट्राइगोनल वॉइड भी पढ़ा है, टेट्राहेड्रल भी पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल भी पढ़ा है, क्यूबिक नहीं पढ़ा यार। क्यूबिक सिंपल सी बात है, आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ा था, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट थे वो कहां पर प्रेजेंट थे? सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट थे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जब आप एटम्स को कॉर्नर पर रखते हो तो आपके बीच में एक खाली जगह बनती है, उस खाली जगह को ही आप क्या बोलते हो? क्यूबिक वॉइड बोलते हो, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जहां पर जो एटम प्रेजेंट है वो सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और जब कॉर्नर पर एटम रखते हो तो बीच में आपको एक खाली जगह, एक होलो स्पेस, एक वॉइड क्रिएट होता है, उस वॉइड को तुम क्या बोलते हो? क्यूबिक वॉइड बोलते हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस रेशियो का है कि अगर रेडियस रेशियो 0.115 से लेकर 0.225 है तो आपका ट्राइगोनल वॉइड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 है, टेट्राहेड्रल वॉइड, 0.414 से लेकर 0.732 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 0.732 से लेकर 1 तक तो क्यूबिक वॉइड। ये वैल्यू बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसा लगता है 0.414, ठीक है, 0.732, ठीक है, मतलब सिंपल है, याद हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये रेडियस रेशियो की कुछ बात हुई। अब रेडियस रेशियो की मदद से अपन कुछ आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहां से हमारा क्या होता है कि एक MCQ बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जे या नीट में वहां से MCQ बन रहे हैं और यहां पर भी अब की बार MCQ पूछ रहा है, तो ज्यादातर चांसेस बनते हैं कि वहां से MCQ फ्रेम हो, ठीक है। अब देखते हैं कि वहां से MCQ किस तरह का फ्रेम होने वाला है।
नेक्स्ट यार जो हमारे पास आ रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। जो सिंपल आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल से डेफिनेट है कि आपसे एक एमसीक्यू बोर्ड 2021 में पूछा जाएगा। तो इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, आप जब रिवीजन करो तो इस टेबल को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं इस टेबल के अंदर क्या क्या है। यहां पर मैंने कुछ हेडिंग लगाई हुई है, स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो, अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायंस टू एनायन और नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल। ठीक है, अब यहां पर अगर सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर आप जानते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है तो रेडियस रेशियो कितना होने वाला है, 0.414 से लेकर 0.732 के ठीक है अंदर होने वाला है। और अरेंजमेंट की अगर बात करें तो यहां पर जो Na पॉजिटिव रहता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर जाता है, और Cl नेगेटिव जो रहता है वो CCP पैकिंग बनाता है। भाई आप एक बात ध्यान रखना है कि जो छोटा एटम रहता है, जो छोटा आयन रहता है, यहां पर जनरली जो कैटायन रहता है उसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो जो कैटायन रहता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर चला जाता है, और जो बड़ा आयन रहता है एनायन वो CCP पैकिंग बना देता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो फॉर्म करता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहां पर 6:6 का रेशियो आता है, मतलब एक कैटायन को 6 एनायन घेरते हैं और एक एनायन को 6 कैटायन घेरते हैं। ठीक है, तो 6:6 का यहां पर रेशियो आता है। और नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल की अगर बात करें तो 4 होती है एक यूनिट सेल के अंदर। जो यूनिट की बात करें तो 4 NaCl की यूनिट यहां पर देखी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें CaCl, ठीक है, CaCl टाइप के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आप जानते हो कि यहां पर क्यूबिक वॉइड फॉर्म होता है। अगर क्यूबिक वॉइड फॉर्म है तो रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 के अंदर होने वाला है। अरेंजमेंट अगर बात करें तो यहां पर जो CS पॉजिटिव है कैटायन है वो क्यूबिक वॉइड के अंदर जाता है, और जो Cl नेगेटिव है वो एवरी कॉर्नर ऑफ BCC, ठीक है, एवरी कॉर्नर ऑफ BCC बनाता है, ये ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 और नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल 1। ठीक है, अब अगर बात करें थर्ड ZNS टाइप का स्ट्रक्चर, और ZNS आप जानते हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म कर रहा है, तो यहां पर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 तक होने वाला है। अरेंजमेंट की अगर बात करें तो Zn+2 यहां पर 50% टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जा रहा है, और जो हमारा S-2 है वो CCP पैकिंग बना रहा है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल 4 होने वाली है। CF2 टाइप स्ट्रक्चर की बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड, रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414। अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, यहां पर जो कैटायन है वो CCP पैकिंग बना रहा है, और जो F नेगेटिव है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 8:4 उल्टा होने वाला है, यहां पर 4:4 था, यहां पर 8:4 होने वाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल 4 होने वाली हैं। अब तुम्हारे काम की जो चीजें हैं वो सारी मैं बता देता हूं कि कहां से एमसीक्यू फ्रेम होता है। बेसिकली आपका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट से लगातार क्वेश्चन आता है कि भाई NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में क्या अरेंजमेंट होता है, कैटायन कहां पर प्रेजेंट होता है, एनायन कहां पर प्रेजेंट होता है, इस तरह के क्वेश्चन। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है, और थर्ड नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट सेल। ये अगर आपको आती हैं तो इससे आप जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो छोटा आयन रहता है वो वॉइड्स के अंदर जाता है, जो बड़ा आयन रहता है वो पैकिंग बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, रेडियस रेशियो से आप वॉइड का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, यहां 6:6, 8:8, 4:4, 8:4, 4:4, 4:4 यहां पर 1 है। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉमन सेंस लगाकर आप इसे अपने दिमाग के अंदर फिट कर सकते हैं, और जब वो क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी रफ्तार के साथ उन क्वेश्चन के साथ खेल सकते हैं। ये बात हुई कुछ सिंपल आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, यहां पर आकर ये वीडियो अपन खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं सॉलिड स्टेट का, दैट इज डिफेक्ट्स, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।